मनिया की दुनिया प्रेजेंट्स बाबा बीसी के साथ संसार क्या है, उत्तर क्या है। जय हो। ओ बाबा, गर्मियां आ गई हैं। ओ तुम्हारा बढ़िया है यार, तुम तो अपना बिना कपड़ों के नंगे ही बैठे रहने वाले थे। गर्मियों में तुम्हें कोई परेशानी होगी ही नहीं, सही कहा नहीं कहा मैंने? तो बेटा गिल्लू, तू भी कपड़े उतार के नंगे हो जा मेरे बगल में, आ जा, तेरे को भी गर्मी नहीं लगेगी। आजा, डर क्यों रहा है, आजा। हैं, अबे तू पैंट ही इसलिए पहनता है ताकि तेरा फटावा कच्चा किसी को ना दिखे, समझ रहा है? फिर बोलेगा बाबा तुम्हारा सही है, बोल के पूछना है। अरे बाबा मुझे ये बताओ यार, ये हर चीजों के पीछे हिस्ट्री की इतनी ज्यादा चीजें है ना हमारे वहाँ पे, अब ये गेटवे ऑफ इंडिया क्या हुआ फिर इसमें? बेटा सच बताओ, शर्म आती है मुझे लोगों के दिमाग के, कसम से बता रहा हूँ मैं। एक बड़ी सी इमारत देख ली, गेट के जैसी होगी, उसको गेटवे ऑफ इंडिया बोल दिया। हम यहाँ इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, अपनी हड्डियां कड़कड़ा रहे हैं, हमें कोई बाबा ऑफ इंडिया नहीं बोलता है? हर चीज के पीछे लॉजिक होना चाहिए, होना चाहिए। अब लोग सोचते हैं कि वहां पर हम चले गए, वहां पर हमने फोटो खींचा दी, वहां पर इतना बड़ा बड़ा हमने गेट बना दिया, उसका नाम गेटवे ऑफ इंडिया हो गया। आज तू एक पहला आदमी जो पूछ रहा है गेट ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है। इसका मतलब किसी हिस्ट्री, इसका मतलब किसी मॉन्यूमेंट से, इसका मतलब किसी भी बड़ी और विशाल कई चीज से नहीं है। ये तो हर गृहिणी से जुड़ी हुई चीज है, क्योंकि ये बात है किचन की, ये बात है किचन की, और ये बात है तवों की। तवे होता ना, तवे जिसमें रोटी पकती है, ये वो नहीं तवों की बात है। तवे भी मेल और फीमेल होते हैं, ये तो मैं पता नहीं होगा। तवे भी मेल और फीमेल होते हैं और एक दूसरे के प्रति उनका आकर्षण होता है। और कुछ कुछ मेल तवे जो हैं वो मेल तवे को प्यार करते हैं, और कुछ कुछ जो फीमेल तवे हैं वो फीमेल तवे को प्यार करते हैं। तो जो मेल तवे को प्यार करता है वो गे होता है। अगर उन गे की संख्या एक से ज्यादा हो तो वो गे तवे हो जाते हैं, और अगर वही गे तवे भारत में हो तो वो गे तवे ऑफ इंडिया कहलाते हैं। समझे, समझे? ओ बाबा, डिड यू से वावा? संसार क्या है। एक बकवास प्रस्तुति